अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज हम बनाएंगे लोशन। गर्मियाँ चली गई हैं, सर्दियाँ आ चुकी हैं, और सर्दियों में हमारी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, और इस ड्राइनेस को हम कैसे ख़त्म कर सकती हैं, मैं आपके साथ बहुत ही आज एक और टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसको आप बनाकर अपने वॉशरूम में रख सकते हैं, आफ्टर बाद उसको यूज़ कर सकते हैं उस लोशन को। और ऐसे भी आप जब भी अपना फेस धोएं, हाथ धोएं, तो आप अपने हाथों पे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी स्किन पे जो ड्राइनेस आ जाती है, आपने कभी नोट किया होगा कि इतनी ड्राइनेस आ जाती है सर्दियों में स्पेशली, कि जब भी हम ऐसे स्क्रैच करते हैं या ख़ारिश वगैरह भी हो, तब भी हम जब ख़ारिश करते हैं तो वाइट सी लाइन बन जाती है। इसका मतलब है कि हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा पानी की कमी भी हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो खुश्क हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो हमें पानी भी ज़्यादा पीना चाहिए, दूसरी बात हमें बाहर से भी लोशन मॉइस्चराइजिंग वगैरह का यूज़ ज़्यादा करना चाहिए सर्दियों में, ठीक है। तो जेल इस लोशन को बनाने के लिए जो यूज़ होगा, एलोवेरा जेल जो है वो आपने बाजारी जेल लेना है, ठीक है, घर में जो लगाते हैं वो वाला नहीं करना आपने यूज़। तो यहाँ पे मैं लूँगी चार चम्मच एलोवेरा जेल के ले लेंगे, ख़त्म कर देगा। दूसरी चीज़ जो कि आपने इसमें ऑयल का यूज़ करना है, कोकोनट ऑयल इसमें यूज़ नहीं करना है, बिकॉज सर्दियां हैं तो सर्दियों में कोकोनट ऑयल जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राई से मतलब कि वो जम जाता है, ठीक है। तो इस वजह से हमारा लोशन जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो इसके लिए आप बेबी जॉनसन बच्चों का जो ऑयल है, जिसे हम बच्चों का मसाज करते हैं, ठीक है, हम वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप आलमंड ऑयल जो है, बादाम का तेल है, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑलिव ऑयल जो है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जौन सा मर्ज़ी ऑयल यूज़ कर लें। मैं यहाँ पे जो है बेबी जॉनसन ऑयल, बेबी ऑयल जो है उसके मैं यूज़ करूँगी 2 चम्मच, ठीक है, 2 चम्मच आपने डालने हैं इसमें। इसके बाद जो तीसरी चीज़ डलेगी वो है विटामिन ई के कैप्सूल 2, ठीक है। अगर आपके पास विटामिन ई ऑयल है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है, 1 चम्मच। अगर वो नहीं है आपके पास तो आप विटामिन ई के जो कैप्सूल होते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 विटामिन ई के कैप्सूल इसमें डाल दूँगी। 1 चम्मच हम इसमें डालेंगे ग्लिसरीन। अच्छी तरीके से जब हम इसको करेंगे, ब्लेंड करेंगे, तो ये वाइट कलर में आ जाएगा। जो बाज़ार में भी मिलते हैं लोशन, वो भी ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके से बनाए जाते हैं। और इस तरीके से यूज़ करने से, ऑयल वगैरह यूज़ करने से, इसका मिक्सिंग करने से, अच्छे जब क्रीम बन जाती है तो इसकी जो शेल्फ़ लाइफ है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और विंटर में तो वैसे भी जो है ना, चीज़ें इतनी जल्दी ख़राब नहीं होती, ये रेडी हो गया है, ठीक है। अभी आप इसको किसी कंटेनर में, किसी जार में डाल के सेव कर सकते हैं। देखिए कोई चिपचिप नहीं होगा इसके, बल्कि यूज़ करने से हाथ जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, बच्चों की तरह जैसे बेबी स्किन होती है, बहुत प्यारे हाथ हो जाएंगे इससे, और ड्राइनेस तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी। जब भी आप नहाएं, जब भी आप हाथ धोएं, फेस धोएं, तो इसको आप अपने फेस पे, हैंड्स पे, बॉडी पे यूज़ करें, ठीक है, और सर्दियों का मज़ा लें। आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी, शाइनिंग करेगी, और बेबी सॉफ्ट स्किन हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आपको जो मेरी आज की ये लोशन की टिप है वो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा, और ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।